हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप हमारे चैनल पे देख चुके थे बहुत सारा स्टेटस एंड स्टोरीज। तो आज से हम चालू करने वाले हैं हमारा खुद का ब्लॉगिंग। तो शॉर्ट स्टोरीज भी आएगा, स्टेटस भी आएगा एंड ब्लॉगिंग भी चालू कर देंगे हम, क्योंकि हम आज जाने वाले हैं कूचबिहार एंड जाते वक्त आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारे साथ जा रहे हैं एक RTR भाई, कितना ये 160 RTR 180 RTR 180 एंड एविएटर 110 एंड एक जा रहा है डोमिनार भाई, ये तो 400 cc का है यार, बहुत स्पीड भागता है ये। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जा रहे हैं आपको दिखाएंगे रास्ता कैसे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फास्ट राइड है एंड हमारा ये एविएटर 110 ज़्यादा खींच नहीं पाएगा, इसलिए हम बहुत जल्दी सुबह को निकल रहे हैं। अभी बाजार कितना बज रहा है भाई, टाइम दिखा जा रहा है 7:26। हमको बहुत दूर जाना है इसलिए हम निकल पड़ते हैं। हम एट लास्ट पहुंच चुके हैं हमारा हाईवे पे, का नाम है जडेश्वर एंड इधर होटल शटल खुल चुका है लेकिन दुकान अभी तक ज़्यादातर नहीं खुला एंड ये है छोटा मोटा सा एक बस स्टैंड। भैया जी थोड़ा सा साइड, अरे भाई। तो गाइस हाईवे में आते आते हम एक ओवर ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, जो ब्रिज कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही थी। जब लॉकडाउन खुलने वाला था उस टाइम सब जगह तो नहीं खुला था, पार्क सिनेमा हॉल ये सब नहीं खुला था, तब ये ब्रिज बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चली थी। WBP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कूचबिहार पे, तो उसी बहाने हमने सोचा कि फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों के लिए, हमारे इधर जगह कैसा है। मैं इधर पहले आ चुका हूँ, फलागाटा तक तो आ चुका हूँ लेकिन उससे ज़्यादा मैं उधर नहीं गया, गया बस पे गया था लेकिन हमको रास्ता भी मालूम नहीं है बहुत दिन पहले। एंड ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड पे चली थी ये ब्रिज कि बस ये सब जाने के लिए दिक्कत हो जाता था, इतना ज़्यादा शाम को यहाँ पे भीड़ रहता था। एंड अब तो सब कुछ खुल चुका है तो ट्रेंड भी ख़त्म हो चुका है इसका, यहाँ पे अब ज़्यादा लोग आता नहीं, आता है बहुत कम आता है, लेकिन पहले पहले जब ये ब्रिज बना था तब तो क्या भयंकर भीड़ होता था भाई। हम ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, दैट्स वाई थोड़ा सा हम गलती हो सकता है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना एंड कौन सा जगह पर कैसा गलती हुआ आप ज़रा बोल दीजिएगा। सबका अलग अलग स्कूल है। हमारे साथ जो जो जा रहा है हमारा मानिक भाई जो हमारा RTR पे है एंड हमारा एक डोमिनर था जहाँ पे हमारा अनूप भाई एंड रिपनदा था, वो लोग तो आगे पहुँच गया है। हम पहुँच चुके हैं अभी फालाकाटा पे एंड सिग्नल खुलने का इंतज़ार करते हैं आगे। अभी स्टेट बस यहाँ पे पार्किंग एंड फालाकाटा का ये स्टेट बस का पार्किंग जोन है, यहाँ पर बहुत सारा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हुआ है, सब जाने वाले हैं। देखो भाई देखो कितना सारा बंदा है यहाँ पर, सब जाने वाला है। एंड यहाँ का दिन लोकल गाड़ी जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं मिलता, बहुत रश पे जाना पड़ता है उनको। एंड अभी शायद हमको राइट लेना पड़ेगा, नीचे का तरफ एक रास्ता जा रहा है, शायद यही है हमारा कूचबिहार का रास्ता, क्योंकि सीधा जब जाएगा वो तो अलीपुर द्वार जाने वाला है रास्ता। अरे भाई 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 साहब, यहाँ पे एक बहुत ही घटिया सीन हो चुका है, बम्बू लेके जा रहा है और हमारा लेट हो रहा है यहाँ पे यार, ऐसे जगह पे ये सब चीज़ लेके जाता है यार, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठा है ये लोग। गाड़ी भी जा चुका है एंड हम आगे बढ़ते हैं। Thank you.
इधर से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे। मानिक भाई जा था, ठीक है भाई, अभी मानिक भाई जा रहा है उसका पुंडी बाड़ी पे, एंड हम लोग फिर से इधर से रोटेशन लेंगे कूचबिहार के तरफ। एंड ये है हमारा कृषि विद्यालय जहाँ पे अजय भाई का यहाँ पे एग्ज़ाम पड़ा है, वो हमारे साथ नहीं आया, वो थोड़ा सा हाँ दूसरा रास्ता से गया वो अजय भाई हमारा, तो हम अभी जाएंगे कूचबिहार के तरफ। यहाँ से कूचबिहार 13 किलोमीटर्स और है, हम लोग कूचबिहार पहले पहुँच गया है स्वागतम कोतवाली थाना कूचबिहार पुलिस। तो हम कूचबिहार के अंडर घुस चुके हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रश हो चुका है, रास्ता एकदम बहुत ज़्यादा ज़्यादा भीड़ हो चुका है, यहाँ पे साइड मिलने के लिए दिक्कत हो रहा है। एंड गूगल मैप्स ने हमको कूचबिहार पे बहुत ज़्यादा घुमाया वहाँ पे। तो मानिक भाई भी हमारा पहुँच चुका है, फ़ोन करके बोल दिया, एंड अजय भाई भी हमारा पहुँच चुका है, तो हम ही बस बचे हैं पहुँचने के लिए। अभी ये लोग देख रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है बोल के, तो इनके साथ साथ हम भी चलेंगे।